हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल डाउट फ्री लर्निंग। माय नेम इज विवेक एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से अनाउंस की गई जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अगर आप 12th क्लास पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक परमानेंट जॉब है और यहाँ आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर SC, ST, EWS और PWD कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी पे नहीं करनी। और दोस्तों, एक और अच्छी बात कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो SC, ST, EWS और PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेकेंड क्लास ट्रेन या बस का ट्रेवल पास भी दिया जाएगा। दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न PSU कंपनी है और आपके पास इसे ज्वाइन करने का बहुत अच्छा मौका है। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर हाउ टू अप्लाई तक सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, इससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आप इस साल की बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है क्या और मैं इस जॉब को इस साल की बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न PSU कंपनी है जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है। ये इंडिया में आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मिजोरम और बिहार जैसे बहुत से स्टेट में वर्क कर रही है। इंडिया से बाहर की अगर मैं बात करूँ तो ये USA, रशिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, वेनेजुएला, इसराइल, बांग्लादेश और मोजाम्बिक जैसे कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका करियर यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दोस्तों, बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल 120 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें SC वालों के लिए 8, ST वालों के लिए 14, OBC वालों के लिए 32, EWS वालों के लिए 12 और जनरल वालों के लिए टोटल 54 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ आपके पास 10+2 पास होना ज़रूरी है विद मिनिमम 40% मार्क्स। साथ ही आपके पास कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की एज 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। वहीं SC और ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की एज 18 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और बात करें OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की एज, तो इनकी एज 18 ईयर्स से 33 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ आपको एक CBT एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें SC और ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। वहीं बाकी कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इनका वेटेज 20% रहेगा। पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, जिनका वेटेज भी 20% रहेगा। और पार्ट सी की अगर बात की जाए तो इसमें डोमेन एंड रिलेटिव टेक्निकल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे और इनका वेटेज 60% रहेगा। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है और ये एग्ज़ाम इंग्लिश और आसामी दो लैंग्वेज में आएगा। साथ ही आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया रहेगा। बात करें इसके रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा। इसके लिए आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना होगा या फिर जब भी रिजल्ट आएगा तो इसकी जानकारी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो कि एग्जाम फॉर्म भरते समय आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। बाकी सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तीसरा, आपके पास कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप इसके लिए इस लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसके लिए 1 जुलाई 2021 से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 अगस्त 2021।
दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 200 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। वहीं जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। दोस्तों आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।